हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरोमा एक्सप्रेशंस। अरोमा एक्सप्रेशंस में आप सबका स्वागत है। आज मैं कुछ एक बैड एक्सपीरियंस, मतलब बुरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। अगर आप परफ्यूम्स खरीदते हो ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से, तो आपके साथ ये हो सकता है, तो आप देख लीजिए। मतलब मैं भी काफ़ी सारे परफ्यूम्स खरीदता हूँ ऑनलाइन पोर्टल से, मगर ज़्यादातर मैं कुछ रेप्यूटेड सेलर से डायरेक्ट ख़रीदता हूँ, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से कम ही ख़रीदता हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे ऑफ़र हो जाते हैं अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या मिंत्रा पे, जहाँ पे प्राइसेस काफ़ी कम होते हैं और 200-300 रुपये बचाने के लिए हम ऑर्डर दे देते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये आज ही का एक्सपीरियंस है। आज 14 अगस्त है 2021, और मैं आपको पूरी एविडेंस के साथ बताऊंगा। अभी ये पार्सल मुझे मिला करीब 45 मिनट्स पहले, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 45 मिनट्स मैक्स। तो मैं पहले ऑर्डर बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने ऑर्डर किया था अरमाफ का शेड्स ब्लू ओडी टॉयलेट 100 ml, राइट। और ये मुझे मिला 1040 में। हालांकि ये अगर आप डायरेक्टली किसी सेलर से ख़रीद लोगे तो मिल जाएगा आप 1100-1200 में। यहाँ कुछ डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने ख़रीद लिया, बट आई थिंक ये मैंने गलती की थी। ओके, यहाँ देख लो आप, ये है शेड्स वुड, राइट। और यहाँ देखो बॉक्स पे भी क्या लिखा है, शेड्स वुड। और ये सेलर का नाम है परफ्यूम ऑफ ओशन। ये सेलर है अहमदाबाद गुजरात से, देख लीजिए। ठीक है, तो मैंने बॉक्स खोला, मुझे मिला अंदर कुछ और ही परफ्यूम, मुझे मिला अरमाफ का शेड्स ब्लू। मैंने ऑर्डर किया था शेड्स वुड, ठीक है। और आपको इसमें और एक दिलचस्प चीज़ बताता हूँ मैं, अगर आप अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे परफ्यूम ख़रीदते हो तो इसमें होती है नो रिटर्न पॉलिसी, यानी कि अगर आपने परफ्यूम खोल लिया तो ख़त्म, उसके बाद आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आपको सही प्रोडक्ट, आपका जो प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया, तो आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हैं लाइफ के मुझे मिला यहाँ पे शेड्स ब्लू, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि कभी कभी सेलर से गलती हो जाती है भाई, एक प्रोडक्ट की जगह दूसरा प्रोडक्ट गलती से पैकेज हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अब यहाँ पे एक और दिलचस्प चीज़ देखिए, यहाँ देखिए ये है ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट, यानी कि ये है प्रोडक्ट 2017 में जो पैक हुआ था, 2018 में जो इंपोर्ट हुआ है, और एक्सपायरी भी इसकी काफ़ी करीब है। और इस पे MRP देखिए 535 रुपीज़, ठीक है। और मैंने कितने पे किए, यहाँ देख लीजिए 1040, यानी कि ऑलमोस्ट डबल, राइट। और ये भी देख लीजिए आप, एक्सपायर होने वाला है ये अप्रैल 2022, तो 8 महीने बचे हुए हैं एक्सपायरी को, और ये भाई साहब प्रोडक्ट भेजते हैं डबल प्राइस में। और बिल्कुल एक्सपायरी के करीब, तो ये एक बड़ा लूपहोल है जो सेलर्स अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे परफ्यूम बेचते हैं वो यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये आराम से किसी को अपना एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट चिपका सकते हैं। ये भाई साहब तो बिल्कुल बेवकूफ़ थे, क्योंकि इन्होंने ये स्टिकर भी नहीं निकाला। अगर ये स्टिकर निकाल देते तो मुझे ये MRP भी नहीं पता चलता है। देख लीजिए आप, यहाँ लिखा है 535 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है। और ये तो खैर बैच कोड और ये है, ये तो नहीं निकाल सकते, बट देख लीजिए
मैन्युफैक्चर हुआ है अप्रैल 2017 में और एक्सपायरी डेट है अप्रैल 22 में, और मैंने ख़रीदा है अगस्त 21 में। तो ये फ्रॉड बहुत कॉमन है अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे ख़रीद रहे हो, इसीलिए हमेशा ये कोशिश करिए कि आप कोई रिलायबल सेलर से अपना परफ्यूम खरीदें डायरेक्टली। और ये फ्लिपकार्ट विपकार्ट के जो पॉलिसीज़ हैं नो रिटर्न वाले, ये काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि परफ्यूम्स पे स्पेशली ये अगर आपने खोल दिया तो ख़त्म, ये आपका हो गया, आप इसको कचरे में डाल दीजिए फिर बाद में। ठीक है, अभी मैंने इनको कॉल किया, दो तीन बार रिक्वेस्ट भेजा कॉल के लिए, इन्होंने 20-25 मिनट लगाए वापस कॉल बैक करने के लिए, वेट टाइम था 11 मिनट्स, लेकिन अभी मेरी बात हुई है। तो ये रिटर्न होगा, ये रिटर्न कब होगा वो भी पता नहीं, क्योंकि इनके पास कोई डेट नहीं है जहाँ पे ये पिकअप करेंगे, और रिटर्न होने के बाद मुझे रिफ़ंड मिलेगा, तो तब तक मुझे वेट करना है। तो इन सब चीज़ों से आपको आगाह करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि आप अगर फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से परफ्यूम ख़रीद रहे हो तो शायद आपको ऐसा ही कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट मिले, और आप परेशान हो कि भाई जैसे इसकी लॉन्जिविटी होनी चाहिए थी, जैसा ये प्रोजेक्ट करना चाहिए था ये नहीं कर रहा है। तो ये हो सकता है कि आपको फेक प्रोडक्ट मिले या कोई ऑलरेडी एक्सपायर्ड। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अलर्ट रहना है फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से खरीदने में, स्पेशली फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे ये फ्रॉड ज़्यादा होते हैं। अमेज़ॉन की कस्टमर सर्विस फ्लिपकार्ट से काफ़ी अच्छी है, और मैं आपको एक बार इस सेलर का भी डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप कभी ख़रीदो इससे तो आपको पता चल जाएगा कौन भाई साहब है। ये इसका नाम है परफ्यूम ऑफ ओशन, और ये बेस्ड है अहमदाबाद में। ठीक है, परफ्यूम ऑफ ओशन, तो ये याद रख लेना, अगर आप ख़रीद रहे हो तो ये देख लो कि भाई इससे नहीं ख़रीदो, क्योंकि ये फिर कोई ना कोई आपको एक्सपोर्ट मतलब एक्सपायर्ड प्रोडक्ट चिपका देगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और फ्रेग्रेंस कम्युनिटी में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि सबको पता होना चाहिए कि ये फ्रॉड हो क्या रहा है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।